एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन। तो अब हम बेसन में ऐड करेंगे 2 चुटकी नमक और 1 चम्मच ऑयल या फिर घी। और अब इसको हाथ से मिलाते हुए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से। ध्यान रहे ये पतला बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए ये बहुत थोड़े ही पानी में अच्छा डो बन जाएगा, ज़्यादा पानी का यूज़ हमें नहीं करना है। तो देखिए इसका डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो देखिए शेप में हमने इसको रेडी कर लिया है। तो देखिए लोई बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो 1 लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम एक पेंसिल लेंगे और अब इसको हम इस तरह मोड़ते जाएंगे, देखिए आप। और इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे जिससे कि ये अलग ना हो। अब हम ये पेंसिल निकाल लेंगे तो बाकी लोई भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए सभी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम पानी बॉईल करेंगे, देखिए पानी गर्म हो चुका है। और अब हम इनको पानी में बॉईल होने के लिए डाल देंगे। अब हम इन्हें लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो चलिए इतने ही हमारे बॉईल हो रहे हैं। इतने हमने 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं। तो देखिए अभी हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। तो देखिए अब इस तरह हम इनको निकाल लेंगे। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये पानी हमारा बाद में यूज हो जाएगा। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे ऑयल और उसमें ऐड करेंगे जीरा और थोड़ा सा हींग, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और अब 1/2 चम्मच नमक डालकर उसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको पकने देंगे। पानी हमने इसमें बेसन वाला ही यूज़ किया है। इतने हमारे मसाले अच्छे से पक रहे हैं, इतने हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए इस शेप में हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सबके सब इस तरीके से काट लिए हैं। देखिए हमारा मसाला भी अब अच्छे से पक चुका है, देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा वो बेसन वाला पानी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बनने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसके ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो देखिए बेसन की सब्जी हमारी रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।